कि अब मैं पहले नवरात्र से मतलब 10 अक्टूबर से जल भी छोड़ दूंगा पूरी तरह से, और मेरा कोई ये विचार नहीं है कि मैं किसी प्रकार की ड्रिप या वो एक्सेप्ट करूं। और ऐसी स्थिति में संभवतः दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। एक जंग थी, 40 सालों से ज्यादा लंबी चल रही एक जंग जो हमारी गंगा नदी को बचाने के लिए लड़ी गई थी। मैं बात कर रहा हूं यहां पे हमारे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की, जो हाल ही में शहीद हो गए 111 डेज की हंगर स्ट्राइक करने के बाद भूख के कारण मारे गए। आइए सुनते हैं और सीखते हैं इनकी दास्तां से। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का जन्म 1932 में हुआ था और 2011 में इन्होंने संन्यास ले लिया था, ये एक स्वामी बन गए थे। लेकिन आजकल के बाकी और ज्यादातर बाबाओं की तरह ये कोई रॉन्ग नंबर बाबा नहीं थे। आजकल के बाबा फेमस होना चाहते हैं, बहुत दिखावे में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये संन्यास का असली मतलब समझते थे। तो कह सकते हो ये एक राइट नंबर बाबा थे। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली एजुकेटेड इंसान थे। सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने IIT रुड़की से करी थी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने PhD करी थी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। 1979 में इंडिया के पहले मेंबर सेक्रेटरी भी रहे थे सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के, और इनके अंडर बहुत सी रिसर्च स्टडीज भी कंडक्ट की गई थी जिसने पता लगाया था कि गंगा के पानी में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो बैक्टीरिया को फाइट कर सकता है। जो गंगा जी में विशेषता है उसके 4-5 उदाहरण जो अब तक विज्ञान से सिद्ध हो चुके हैं। मुझे ये लगता है कि शायद सबसे पहला प्रयास तो मेरी गाइडेंस में IIT कानपुर में हुआ, और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि क्या गंगा जल में कॉलीफॉर्म्स को नष्ट करने की या जो सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया उनको नष्ट करने की कोई विशेष क्षमता है। प्रोफेसर समझते थे कि गंगा की क्षमता को बचाए रखने के लिए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को बचाए रखने के लिए गंगा का फ्री फ्लोइंग होना बहुत ज़रूरी है, गंगा के रास्ते में कोई अड़चने ना अड़ाई जाए। इन्होंने अपनी रिसर्च से पता लगाया था कि जो भी डैम्स थे गंगा पे उसके बाद जो इन्होंने वाटर टेस्ट किया था उसमें इतनी क्षमता नहीं थी बैक्टीरिया मारने की जितनी उन डैम्स के पहले थी। तो ये देख रहे थे कि जैसे जैसे और डैम्स बनाए जा रहे थे उनमें क्षमता और कम होती जा रही थी गंगा पानी में, ये जो स्पेशल पावर है गंगा के पानी में। ये क्षमता भैरव घाट तक जाते जाते जहाँ वो पंपिंग स्टेशन था वहाँ ये केवल आधी रह गई। एक ये दूसरी रिपोर्ट आई है और इन्होंने ये पाया, यही चीज दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे से अपने डाउन टू अर्थ के इंटरव्यू में समझाई है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस फुल इंटरव्यू का लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं और इस लॉजिक को समझ सकते हैं। दोस्तों यही रीजन था कि 13 जून 2008 को प्रोफेसर जीडी अग्रवाल अपने पहले फास्ट पर बैठे। इनकी डिमांड थी कि गंगा को फ्री फ्लोइंग रखा जाए गंगा के पहले 125 किलोमीटर में, यानी गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक पहले 125 किलोमीटर में कोई भी अड़चने ना अड़ाई जाए गंगा के रास्ते में। 30 जून 2008 को इन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ी जब सरकार ने इन्हें एक रिटन एग्रीमेंट लिखकर दी कि 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे एक सोल्यूशन निकलेगा, और सरकार ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप अपॉइंट किया जो इनकी डिमांड्स के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा वो कितनी पॉसिबल है। यहाँ पर इनकी इस हंगर स्ट्राइक की वजह से ही कुछ महीने बाद 4 नवंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने गंगा रिवर को एक नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया, और साथ ही साथ एक नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी बनाई गई जिसका काम था सारी प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करना उन सारे प्रोजेक्ट्स की जो इस गंगा रिवर पर किए जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पर सरकार की रिटर्न एग्रीमेंट के बावजूद 6 महीने बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, इसलिए प्रोफेसर जीडी अग्रवाल मजबूर हो गए एक दूसरी हंगर स्ट्राइक पे बैठने में 14 जनवरी 2009 को। इस बार इनकी डिमांड्स बहुत ही स्पेसिफिक थी। इस समय उत्तराखंड में एक लोहरी नागपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था गंगा रिवर के ऊपर, और इनकी डिमांड थी कि इससे रिलेटेड जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इमीडिएटली बंद करा दिया जाए। 30 जनवरी 2009 को उनके साथ बहुत से इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी इस फास्ट पर जुड़ गए, और दोस्तों 20 फरवरी 2009 को फास्ट के करीब करीब 35 दिन बाद इन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और सरकार ने इनकी डिमांड्स मान ली। इस डैम पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही थी उन पर रोक लगा दी गई और ये डैम आगे नहीं बना। 2010 में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने गंगा के जो पहले 100 किलोमीटर होते हैं उसको एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया।
इसी बीच जून 2011 को प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के दोस्त स्वामी निगम आनंद शहीद हो गए 115 दिन की हंगर स्ट्राइक करने के बाद। इनकी डिमांड थी कि इलीगल माइनिंग पर बैन लगा दिया जाए जो गंगा के किनारों पर हो रही है, लेकिन वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं सुनी इनकी। 115 दिन ये भूखे रहे और उनके बाद इनकी मौत हो गई यहां पर। इसके बाद 8 मार्च 2012 को प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने अपना तीसरा फास्ट किया गंगा की क्लीनिंग की डिमांड करने के लिए सरकार की तरफ से। इन्होंने अपना यह फास्ट 40 दिन बाद तोड़ा जब सरकार ने एनजीबीआरए की एक मीटिंग बुलाई। इसके बाद 13 जून 2013 को इनकी तरफ से एक चौथा फास्ट भी किया गया जिसकी वजह से 3 लोगों ने एनजीबीआरए के से रेजिग्नेशन दे दी सरकार की तरफ से कोई एक्शन ना मिलने की वजह से। और अब आते हैं हम दोस्तों 2018 पर। 2014 में सरकार बदली, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। देश के बहुत से लोगों की तरह प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को भी बहुत सी उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि बहुत से वादे करके जो आए थे, कह रहे थे कि मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, गंगा माँ ने मुझे वाराणसी बुला लिया है इसलिए मैं आया हूँ, ये सब हुआ है। लेकिन सिर्फ 4 साल लगे दोस्तों, देश के और लोगों की तरह प्रोफेसर जीडी अग्रवाल भी 2018 तक समझ गए थे कि नरेंद्र मोदी जी कितने बड़े धोखेबाज हैं और कितने बड़े जुमलेबाज हैं। सरकार पूरी तरह से धोखा दे रही है और विशेष रूप से मोदी जी धोखा दे रहे हैं। फरवरी 2018 को इन्होंने एक चिट्ठी लिखी पीएम मोदी को जिसमें इन्होंने कहा कि जितने भी इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली प्रोजेक्ट्स गंगा रिवर पे बनाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोक दिया जाए और एक गंगा प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जाए। अगर इनकी इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया तो ये 22 जून 2018 से एक फास्ट करना चालू करेंगे, एक हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और 13 जून को इन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी जिसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो 22 जून को दोस्तों प्रोफेसर जीडी अग्रवाल अपनी 5वीं और आखिरी हंगर स्ट्राइक पर बैठे। फास्ट पर बैठने के बाद इन्होंने एक और चिट्ठी लिखी जिसका फिर से कोई जवाब नहीं आया। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि पीएम मोदी जानते नहीं है कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल कौन है, क्योंकि 2012 में जब इन्होंने फास्ट किया था तब बड़ी शान से मोदी जी ने आके एक ट्वीट किया था, प्रेइंग फॉर गुड हेल्थ ऑफ स्वामी सानंद हु इज ऑन फास्ट अनटू डेथ फॉर अविरल निर्मल गंगा, होप सेंटर टेक्स कंक्रीट एक्शन टू सेव गंगा। तो मोदी जी को सब पता था 2012 में भी जब ये फास्ट पर बैठे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी जी को अब पता ही ना हो 2018 में ये फास्ट पर बैठने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई चिट्ठी का जवाब नहीं आया यहां पर। 10 जुलाई को दोस्तों पुलिस इनको जबरदस्ती खींचकर लेकर गई इनकी फास्ट की लोकेशन से, जिसके खिलाफ इन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक पेटिशन फाइल करी। हाईकोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया ये कहते हुए कि इनको बिल्कुल हक है यहां बैठकर हंगर स्ट्राइक करने का। दोस्तों फिर जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा कि 10 अक्टूबर से अब ये पानी पीना भी छोड़ देंगे। मेरे प्राण तो, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने घोषणा कर दी है कि अब मैं पहले नवरात्र से, मतलब 10 अक्टूबर से जेल भी छोड़ दूंगा पूरी तरह से। और मेरा कोई ये विचार नहीं है कि मैं किसी प्रकार की ड्रिप या वो एक्सेप्ट करूं। और ऐसी स्थिति में संभवतः दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाएगा। और शायद 10 अक्टूबर को ही दोस्तों सरकार की आंखें खुली। नितिन गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है गंगा का मिनिमम फ्लो मेंटेन रखने का, और इन्होंने कहा कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट रेडी हो गया है, कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। और 10 अक्टूबर को ही उत्तराखंड की पुलिस एक बार फिर से प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को खींचकर लेकर गई उनकी फास्ट की जगह से। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस इनको हैंडल कर रही थी। इनको एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल तक जबरदस्ती पहुंचाया गया इनकी हंगर स्ट्राइक को रुकवाने के लिए। और अगले दिन दोस्तों हॉस्पिटल में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल भूख के कारण शहीद हो गए। इसी दिन इनकी मौत के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की भी आंख खुली और इनकी तीनों चिट्ठियों का जवाब मोदी जी ने ट्वीट से दिया। Saddened by the demise of Shri G.D. Agarwal ji, his passion towards learning, education, saving the environment, particularly Ganga cleaning will always be remembered. My condolences. मैं मोदी जी से बस कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्हें सही में ट्रिब्यूट देना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ एक चीज से मिल सकता है, इनकी जितनी भी डिमांड्स थी उन डिमांड्स को फुलफिल कीजिए। वैसे तो नितिन गडकरी जी कहते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट सारी डिमांड्स फुलफिल कर चुकी है सरकार, लेकिन इनके जो इन्वायरमेंटलिस्ट दोस्त हैं, एक्टिविस्ट दोस्त हैं प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के, वो इस चीज को सच नहीं मानते। इनफैक्ट साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि जो नितिन गडकरी जी की मिनिमम फ्लो वाली नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल ही इनएडिक्वेट है और इनसफिशिएंट है। उन्होंने मिनिमम फ्लो के लिए इतना नीचे वाला, इतना लो नंबर चूज किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गंगा की एक्वेटिक लाइफ पे और गंगा को प्रिजर्व करने में।
मनोज मिश्रा एक यमुना एक्टिविस्ट है, वो कहते हैं कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाली है इसके पीछे असली पर्पस ये है कि वो और डैम्स को और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को आसानी से क्लियर कर पाए क्योंकि ये मिनिमम फ्लो वाला नंबर इतना कम है। ये कहते हैं द फ्लोज गिवन आर टू लेस एंड नॉट गोइंग टू हेल्प गंगा इन एनी वे, व्हाई वाज देयर नो कंसल्टेशन बिफोर नोटिफाइंग दिस। यहां पर सबसे ज्यादा शर्म तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आनी चाहिए जो कि पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए तो बड़ी आसानी से गंगा का इस्तेमाल कर लेते हैं। कहते हैं मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड गंगा माँ का बेटा हूं, लेकिन जब असली में गंगा को बचाने की बात आती है, जब यहां पर असली में एक हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है, तो इतने चुप रहते हैं, इतने मौन रहते हैं, इतने इग्नोरेंट रहते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी पीछे छोड़ देते हैं। आपको याद होगा कैसे मनमोहन सिंह जी को ये मनमोहन सिंह जी करके बुलाया करते थे क्योंकि मनमोहन सिंह जी करप्शन स्कैम्स पर चुप रहते थे। मोदी जी तो उनसे भी ज्यादा चुप रहते हैं सारे ही असली इश्यूज पर। यहां पर वहां पे एक आदमी 111 दिन तक हंगर स्ट्राइक कर रहा है, आपको चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। जब उनकी मौत हो जाती है तो एक कॉन्डोलेंसिस के लिए यहां पर ट्वीट कर देते हैं। और इतनी ही शर्म दोस्तों हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया को भी आनी चाहिए जिन्होंने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को ऑलमोस्ट जीरो कवरेज दी जब इनकी हंगर स्ट्राइक चल रही थी। वो तो जब इनकी मौत हो गई तब थोड़ा मीडिया जागा है यहां पर, लेकिन स्पेशली यहां पर गोदी मीडिया जो इनकी मौत के बाद भी इन्हें नेग्लिजिबल कवरेज दे रहा था। यहां पर इन्हें कम्युनल इश्यूज उठाने की बात कर दो तो फौरन ये चिल्लाने लग जाएंगे अपने टीवी स्टूडियोज में, लेकिन यहां पर गंगा को बचाने की बात आ गई क्योंकि हमारी सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है तो हमारा गोदी मीडिया बिल्कुल चुप हो जाता है यहां पर। मुझे अपने ऊपर भी शर्म आती है दोस्तों यहां पर कि क्यों नहीं मुझे पता लगा इनके फास्ट के बारे में आज से 3 महीने पहले। मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जैसे और लोगों की आवाज आप तक खुलकर पहुंचाऊं फ्यूचर में। दोस्तों शायद आप ये जानते नहीं होंगे लेकिन 36 साल के संत गोपाल दास आज भी गंगा के लिए फास्ट पर बैठे हैं। इनके फास्ट को 110 डेज हो चुके हैं, यानी इन्होंने भी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के फास्ट के अराउंड उसी टाइम के अराउंड इन्होंने भी अपना फास्ट शुरू किया था। इनकी डिमांड है कि गंगा रिवर बेड पे जो माइनिंग हो रही है उस पर रोक लगा दी जाए। और आज 17 अक्टूबर को दोस्तों जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं इनको भी एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल में ले जाया जा चुका है। कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं। दोस्तों प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की जो जंग है अब ये हम लोगों को आगे ले जानी पड़ेगी, हमारी जनरेशन को अभी आगे ले जानी पड़ेगी। आप इस पर अपनी आवाज उठाएंगे या फिर हमारी गंगा नदी को ऐसे ही खत्म होते हुए देखेंगे, फैसला आपका है। यहां पर इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की दास्तां हर देशवासी तक पहुंचाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप मेरे को patreon.com/ध्रुव राठी पर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।